कांग्रेस ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय शॉर्ट में पीएमएमएल सोसाइटी किए जाने को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार हमले के बावजूद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी और वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। एमएमएल का नाम 14 अगस्त से आधिकारिक तौर पर बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय यानी कि पीएमएमएल सोसाइटी कर दिया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज से एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिला है। विश्व प्रसिद्ध नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय अब प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी भय, पूर्वाग्रह और असुरक्षा से घिरे हुए हैं, खासकर जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की आती है। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। उन्होंने एन को हटाकर उसकी जगह पी कर दिया है। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस में नेहरू के विशाल योगदान और भारत राष्ट्र राज्य के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और उदार नीयों के निर्माण में उनकी महान उपलब्धियों को कभी भी मिटा नहीं सकते। इन सभी पर अब मोदी जी और उनकी वाह वाह करने वालों की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे हमले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की विरासत हमेशा जीवित रहेगी और वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।